بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو الرب العرش العظيم Sufficient for me is Allah. There is no deity except Him. On Him I have relied, and He is the Lord of the Great Throne. Assalamu alaikum. Main hoon Wajahat Sayyid Khan. Pakistan ke khilaf bahut sare mahaz khule. Kuch humne khud khule aur kafi sare hamare khilaf khule gaye. Aaj ka mahaz hamle ke naam. पाकिस्तान के ऊपर आज कम से कम चार हमले हुए हैं। एक तो हालिया तारीख में पाक फौज के ऊपर शायद सबसे संगीन, सबसे ब्लडी, सबसे क्रूशल हमला हुआ है। 25 से ज्यादा पाक फौज के जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। उन पे एक सुसाइड बॉम्ब और एक व्हीकल बॉर्न बॉम्ब, व्हीकल बॉर्न सुसाइड बॉम्ब अटैक में उनके खिलाफ यूज हुआ है। उधर जवाबी कार्रवाई में 27 दहशतगर्द डेरा इस्माइल खान में मारे गए हैं। ये क्या है, इस सब का क्या मतलब है, इस पे हम आएंगे। मगर इससे पहले कि हम फौज पे इस हमले पे जोर दें, एक और हमला हुआ है। खदीजा शाह पे हमला हुआ है, पाकिस्तान की औरत पे हमला हुआ है। खदीजा शाह की कल उसको एमपीओ के तहत निकाल देना चाहिए था जेल से, जिधर वो 7 महीनों से है। उसकी हेयरिंग जब मुकम्मल होने ही वाली थी तो उसको गायब कर दिया गया, उसे बलूचिस्तान में प्रोड्यूस किया गया है। और अब उसमें बलूचिस्तान में जो आबाई इलाका है हमारे चीफ जस्टिस काजी फैजीसा का, उसे बलूचिस्तान ले गए हैं और उधर उसके ऊपर खून के चार्जेस लगा दिए हैं एक एंटी टेरर कोर्ट ने। ये जो हमला है ये पाक फौज पे नहीं है, ये हमला पाकिस्तानी औरत पे है। एक और हमला हुआ है, पाकिस्तानी अवाम पे हमला हुआ है। ये बाइज्जत तो नहीं, मैं कहता हूँ बेइज्जत तौर पे बरी कर दिया गया है नवाज शरीफ को अल अजीजिया ट्रस्ट, अल अजीजिया रेफरेंस केस में। ये तकरीबन 6 साल पुराना केस है, इसमें इन्हें तकरीबन 7 साल सजा हुई थी। इस केस में $25 मिलियन और 1.5 अरब रुपए इन पे जुर्माना आयद किया गया था। मगर ये केस आज 420 सेकेंड में एक पेशी में और 2218 सेकंड में दूसरी हेयरिंग में इस केस को बाइज्जत मेरिट स्टेज पे रैप कर दिया गया, क्लीन कर दिया गया। मेरिट स्टेज वो होती है जिसमें महीने लगते हैं, इसमें जो सबूत हैं, जो एविडेंस है, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कोर्ट देखता है। मगर 420 सेकंड जो एक अच्छा नंबर है नवाज शरीफ के लिए सूट करता है। 420 सेकंड में पहले सुना गया और फिर 218 सेकंड में मेरिट स्टेज पे इसको जजमेंट सुना दी गई। ओवरऑल ये तकरीबन 5-6 मिनट में पाकिस्तान की जो तकदीर है उसको ये लोग कोशिश लोगों ने की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वालों ने, कि पाकिस्तान की जो तकदीर है वो 6-7 मिनट में बदल दें। मगर ऐसा इंशाल्लाह होगा नहीं। स्टिल हमले जो हैं वो जारी हैं। एक और हमला हुआ है, पाकिस्तान की तारीख पे हमला हुआ है, क्योंकि भुट्टो को जिंदा कर दिया गया है। एक नहीं, दो नहीं, 9 सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके साथ साथ 8 और जस्टिस बैठे हैं भुट्टो को जिंदा करने में। मैं इसे तारीख पे हमला कहूंगा, क्योंकि भुट्टो का केस तो काफी कट एंड ड्राई है, काफी ब्लैक एंड वाइट है कि भुट्टो के साथ क्या हुआ। बिल्कुल उसके साथ ज्यादती भी, जुडिशियल मर्डर हुआ। मगर बहुत सारे और पाकिस्तान के लीडर्स जिनके साथ ज्यादतियां हुई, जिनकी केसें, जिनके केस क्लियर नहीं है, जिनकी फाइलें बंद हैं, उनके बारे में अभी तक क्लैरिटी नहीं आई। अच्छा होता कि साथ साथ काजी फैजीसा बेनजीर भुट्टो का केस भी जिंदा करते, फातिमा जिना का भी केस जिंदा करते, लियाकत अली खान का भी केस जिंदा करते, जियाउल हक जो इनका बाप है इन सब का, उनका केस जिंदा करते, क्योंकि ये सब लोग पुरस्कार तरीके से इन सबको मार दिया गया है, हटा दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। मगर भुट्टो स्पेसिफिकली जो सबसे क्लियर कट केस है उसको जो है जिंदा किया है। साथ साथ मैं कहता हूं सैकड़ों नहीं, वो हजारों पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी लीडर नहीं जो, मगर आम बलोच, आम मुहाजिर, आम पठान, इवन अब पंजाब में भी ये होने लग गया है, जो जेर हिरासत मारे जाते हैं, गायब हो जाते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशली मर्डर हो जाते हैं, मिसिंग पर्सन जिनके, जिनको कहा जाता है, जिनकी फिर बलूचिस्तान में जिनकी मैस ग्रेव्स पाई जाती हैं, इनको भी जिंदा करने की जरूरत थी। मगर
चीफ जस्टिस ने सिर्फ भुट्टो को जिंदा किया है। इससे पहले कि हम अपनी आज की टॉप स्टोरी पे चलें जो हमने इधर अमेरिका से की है आपके लिए, इधर आसिफ मुनीर साहब आए हुए हैं और हमने एक बड़ी डीप डाइव आपके लिए तैयार की है कि वो किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और बड़ा जबरदस्त एक एनालिस्ट हमने चुना है जो हमें बताएगी कि ये इनका क्या प्लान है। इससे पहले कि हम उधर चलें, ये काजी फैज ईसा और भुट्टो को जिंदा करने वाली जो थ्योरी है ना, इस पे मैं बहुत 2-3 दिन से सोच रहा हूँ कि ये क्या, ये व्हाई हैज ही डन इट। मैं आई एम ट्राइंग टू मेक सेंस, और मुझे आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस पे थोड़ा सा सोचा, एक दो फोन्स किए, लिखा इस पे। मेरा ये ख्याल है कि जो पीडीएम की जो जमातें हैं जिन्होंने अलग अलग अपनी जो सर्विसेज सर अंजाम दी हैं आईन की माँ बहन करने में, इमरान खान की पार्टी को तोड़ने में, कानून को तोड़ने में, इन्होंने जो पीडीएम ने जो किया है 16 महीने पाक फौज पाक एस्टैब्लिशमेंट के लिए, ये जो सब चीजें इन्हें मिल रही हैं कि 420 सेकंड में नवाज शरीफ का वो वाला केस जिसमें एक नहीं दो करेंसीज जो हैं का जुर्माना लगा हुआ है, और भुट्टो का वो वाला केस जो तकरीबन 45 साल से बंद है, केस क्लोज्ड है, ये एक्चुअली ये जो इनको फेवर्स दिए जा रहे हैं, जुडिशियल फेवर्स दिए जा रहे हैं, ये एक्चुअली इनके लिए इनका रिवॉर्ड है, ये इनका प्राइज है। जब आप कोई काम करते हैं तो आपको एक प्राइज मिलता है, तो ये इनको प्राइज मिल रहे हैं। नवाज शरीफ के फैमिली केसेस एक के बाद एक जो हैं, जो उसकी टॉप प्रायोरिटी है कि मैं मेरे ऊपर और मेरी फैमिली के ऊपर, सांडू जेठ बेटी सबके ऊपर जो केसेस हैं वो खत्म हो जाएं। एक तो ये क्लियर है कि नवाज शरीफ को फेवर दिया गया है, मगर भुट्टो का फेवर भी इन अ वे, भुट्टो का केस भी एक फेवर है जरदारी बिलावल और कंपनी के लिए। अभी आज थोड़ी देर पहले हमने देखा ये अंदर जा रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि दुनिया देखे, लाइव स्ट्रीम करे, बातें सुने। अच्छा, ये सब क्यों है? क्योंकि किसको फायदा होगा भुट्टो का केस अगर सुन लिया? फायदा किसे होगा? फायदा ऑब्वियसली सिर्फ पीपीपी को होगा। ये जाएंगे अपने जलसे करेंगे, भुट्टो रानी शहीद रानी का नाम लेंगे, भुट्टो का नाम लेंगे, शायद अवाम में कोई वो हो, इस जजमेंट से कुछ आ जाए कि भाई जो मुफ्ती भी थे वो भी गलत थे, जो फौजी भी थे वो भी गलत थे, तो ये जो अपना एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट बैंड है उसको रखेंगे शायद, क्योंकि इनका जो वोटर है वो हमेशा एंटी आर्मी रहा है और ये इस वक्त प्रो आर्मी हुए हुए हैं पीपीपी वाले, तो इनको थोड़ा सा एक, इनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो मैं नहीं कहूंगा, इनको थोड़ा सा अपना ब्रांड को मैनेज करने के लिए मवाद मिलेगा कि अगले 6-8 महीनों में, जब तक इलेक्शन होते हैं, अब तो बात यही होने लग गई है क्योंकि खुद जरदारी ने बोल दिया है कि 8-10 दिन का इलेक्शन डिले हो तो क्या होता है। जरदारी एक और लीडर बन गया है, ऑलरेडी पीएमएल नून ये बोल रहा था, ऑलरेडी जेयूआईएफ ये बोल रहा था, अब पीपीपी ये बोल रहा है कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं। तो इनको ये इन अ वे, अगर आप समझे मेरी बात, कि भुट्टो जिंदा करने से पीपीपी को फायदा मिलेगा, पीपीपी जाके कल जलसों में, सियासत में, ट्विटर में, जो भी है वो करे, जाके कह सकती है देखो हम तो हमेशा, हमारे साथ जाती हुई है, फौज ने की है, मुफ्ती ने की है, खाकी ने की है, हमारे साथ बहुत जबरदस्ती हुई है, ये जाती हुई है, ये जोर जबरदस्ती हुई है हमारे साथ, देखो ना अब हमें वोट दो। तो इन अ वे ये जो जजमेंट्स हैं, ये जाके नवाज भी अपनी जजमेंट लहरा सकता है कि देखो मुझे इन्होंने गलत निकाला था, अब मैंने माफी ले ली है, मैं बिल्कुल बाइज्जत बरी हो गया हूँ। और भुट्टो भी जाकर, भुट्टो की भी दिखाएंगे जजमेंट, ये बेटा और बेटी, बेटा बेटी कह रहा हूँ, बाप और बेटा, सॉरी मैंने बेटा बेटी कह दिया बिलावल भुट्टो जरदारी को, ये बाप और बेटा जाके जजमेंट दिखाएंगे भुट्टो की, अपने लोगों को कहेंगे कि देखें जी हमारे साथ जाती हुई है। इस सब में गंदा कौन होगा? इस सब में गंदी ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट होगी, मगर एस्टैब्लिशमेंट अपने माजी को गंदा करने के लिए तैयार है। एस्टैब्लिशमेंट जाउल हक को गालियां पड़ेंगी, ऑब्वियसली जाउल हक की फौज को गालियां पड़ेंगी ना भुट्टो के केस में, राहील शरीफ की फौज को तो गाली नहीं पड़ेगी, बाजवे की फौज को तो गाली नहीं पड़ेगी, तो भुट्टो के केस में जाउल हक की फौज को गाली पड़ेगी, और इंटरेस्टिंगली नवाज के केस में बाजवे की फौज को गाली पड़ेगी, मगर एस्टैब्लिशमेंट तैयार है कि दो फौजों को, क्योंकि फौज अलग अलग तरीके से बदलती है, दो चीफ्स को, दो एस्टैब्लिशमेंट्स को, जियाउल हक की एस्टैब्लिशमेंट को और बाजवे की एस्टैब्लिशमेंट को गालियां पड़वा दे। और आसिम मुनीर शायद इसलिए ये गेम खेल रहा है, और इस सब में काजी फैज ईसा और ये जो 8 और जज हैं, ये वो हैं, पॉन्स हैं, ये कुछ नहीं है, ये मोरियां हैं जो फौज जो है खेल रही है अपने चेस बोर्ड में। तो ये था मेरा आज का ख्याल कि भुट्टो को क्यों
जिंदा किया गया है। ये सब एक पे बैक मैकेनिज्म है, उन्होंने उनके लिए काम किया, इन्होंने उनके लिए ये इनको तनख्वाह में भुट्टो को जिंदा कर दिया। एनीवेज ऑन टू अ बिग स्टोरी, हमारी आज बिग स्टोरी बहुत अहम इसलिए है क्योंकि ये पाकिस्तान का जो सबसे इंपॉर्टेंट बाशिंदा है, सिटीजन नंबर वन, ये उसके लिए बेस्ड है। आसिम मुनीर वॉशिंगटन आए हुए हैं, वो इधर क्यों आए हुए हैं, किससे मिलना चाह रहे हैं, क्या गेन करेंगे, क्या देंगे, कोई जदीद असलहा खरीदेंगे, ये याद रहे असलहे के तो पैसे पाकिस्तान के पास नहीं है। मगर पहले अमेरिका का कंसर्न देखें, अमेरिका पाकिस्तान के आर्मी चीफ से क्यों मिलना चाह रहा है। अमेरिका पाकिस्तान को हमेशा जियोपॉलिटिकल नजर से देखता है कि खत्ते में क्या हो रहा है, पाकिस्तान का खत्ते में क्या रोल हो सकता है। तो एक तो खत्ते में वैसे तो अलग अलग मौकों पर अलग अलग पाकिस्तान ने रोल किरदार अदा किया है। 1980 में पाकिस्तान रूसियों के साथ लड़ाई कर रहा था, अफगान तालिबान से पहले मुजाहिदीन थे उनके जरिए, और अमरीकी डॉलर फराहम कर रहा था, ये पुरानी अरेंजमेंट थी। मगर तो 1980-90 की बात है, वो जमाना खत्म हो गया। आजकल में पाकिस्तान जो है वो क्या कर सकता है इनके लिए, पहली चीज वो ये है कि इनका जो दोस्त है, नया बेस्ट फ्रेंड जो है इंडिया, पाकिस्तान उसके साथ नॉर्मलाइजेशन करे। इंडिया को अमेरिकन चाह रहे हैं कि इंडिया को रीजन का सुपर पावर बनाया जाए, इंडिया को रीजन का टुल्ला बनाया जाए, रीजन का इनका, जैसे इसराइल जो है वो मशरक वस्ता में अमरीकियों का एजेंट है, तो ये चाह रहे हैं कि इधर इंडिया जो है इनका एजेंट बने, उधर जो है उनके अलग इंटरेस्ट हैं अमरीकियों के मशरक वस्ता में, वो चाहते हैं कि ये जो जितनी भी इधर अलग अलग जो रियासतें हैं उन पे कंट्रोल हमारा इसराइल के जरिए हो, इसलिए उन्होंने दहाइयों से इनको बैक किया है। अच्छा, इंडिया को क्यों बैक कर रहा है अमेरिका इधर, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा बेस्ट फ्रेंड चाइना, इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन इधर ही बैठा है इसी खत्ते में लगता है। तो एक तो इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन में पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, क्या पाकिस्तान इंडिया के साथ तजारत शुरू कर देगा, नॉर्मलाइजेशन शुरू कर देगा, ये बड़ा मुश्किल होगा आसिम मुनीर के लिए अगर उससे ये डिमांड किया गया, क्योंकि आसिम मुनीर को आज ये देखना पड़ेगा। ये जो है ये आज का वॉल स्ट्रीट जर्नल है, और इसमें सबसे बड़ी आप देख सकते हैं तस्वीर जो आई है वो ये आई है कि इंडिया ने इंडियन कोर्ट ने कश्मीर की ऑटोनॉमी जो है वो ख़त्म कर दी है, आर्टिकल 370 को दफन कर दिया है। अब ये इधर की सबसे बड़ी अखबार की टॉप स्टोरी तो मैं नहीं कहूँगा, मगर ये एक सबसे बड़ी तस्वीर आई है, बड़ी प्यारी तस्वीर है, श्रीनगर की तस्वीर है, कर्फ्यू लगा हुआ है, कम लोग हैं सड़क पे, और पीछे फौजी फिर रहा है, अमरीकी फौजी कह रहा हूँ, हिंदुस्तानी फौजी। तो एक तो ये रेकन करना पड़ेगा आसिम मुनीर को, आसिम मुनीर आज कोई अच्छे हालात में ना, अंदरूनी अच्छे हालात में ना खिते के अच्छे हालात में उधर जा रहा है, क्योंकि एक तरफ इंडिया के साथ कशीदगी नेचुरली शुरू हो गई है, इंडिया ने जारहद किया, जारहद के बाद अब इंडिया ने एक इलीगल चीज को लीगल डिक्लेयर कर दिया, दुनिया को कहा कि जाओ बढ़ो, उस दुनिया में अक्वामे मुत्तहिदा भी शामिल है। तो एक तो आसिम मुनीर जाके इंडिया के साथ पीस नहीं कर सकता, और अगर उसने किया तो वो मुहिब्बे वतन, सॉरी टू से, मेरी तरफ से तो कम से कम मैं उसे नहीं समझूंगा। दूसरी तरफ जो आसिम मुनीर को देखना पड़ेगा वो ये है कि साथ साथ अफगानिस्तान में अमरीकियों के क्या इंटरेस्ट है, अफगानिस्तान को भी अमरीकी देखते हैं और पाकिस्तान का उधर जरा बहुत कलीदी किरदार रहा है। तो अफगानिस्तान में पाकिस्तान क्या कर सकता है, अफगानिस्तान के अंदर भी मसले इस वक्त पड़े हुए हैं मगर डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर भी इफेक्ट हो रहा है। आज हालिया तारीख का सबसे बड़ा अटैक हुआ है डीआई खान में, हमारी पोस्ट पे हुआ है, हमारे 25 लड़के जो हैं वो शहीद हुए हैं, दूसरी तरफ का 27 जो है तालिबान जो है दुश्मन जो है वो मारा गया है। अब इस सब में ऑलरेडी खबरें चल गई हैं कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, एक जबरदस्त तरीके से करेगा। पाकिस्तान ने पहले भी अपने जंगी जहाज भेजे हुए हैं, पाकिस्तान ने पहले भी अपने एजेंट भेजे हुए हैं, पाकिस्तान ने अपनी स्पेशल फोर्सेस भेजी हुई हैं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान ने हर किस्म का इंटेलिजेंस एजेंट उधर भेजा हुआ है, पाकिस्तान ने उधर लोग मरवाए भी हुए हैं। अब तालिबान और पाकिस्तान का एक खुला आप कह सकते हैं कॉन्फ्रंटेशन भी हो गई है, अफगान पनाहगुजीन का जो क्राइसिस चल रहा है उस पे। तो सब में साथ साथ एक और खबर हम आपके लिए आज लाए हैं कि लंदन जो पाकिस्तान की फौज का असली हेडक्वार्टर है, क्योंकि लंदन ये सबसे ज्यादा जाते हैं, उधर ये लोग अपने बैक डोर जो है अमेरिका का वो खुला रखते हैं, लंदन में इनके बहुत इंपॉर्टेंट ताल्लुकात हैं। अमेरिका अब इनसे डायरेक्टली उतनी नहीं बात करता जितना अमेरिका का कजन लंदन बरतानिया करता है। तो लंदन से एक और खबर आज हम आपके लिए लाए हैं कि लंदन में बात शुरू हो गई है कि कोई छोटी जंग, कोई लिमिटेड वॉर
अफगानिस्तान में शायद फिर से शुरू हो, जिसमें पाकिस्तान वही किरदार अदा करे जो उसने माजी में अफगानिस्तान में किया है, कि एक सर्विस प्रोवाइडर का, एक फैसिलिटेटर का किरदार अदा करे। इस सब में पाकिस्तान जो है वो फिर से एक रेंटियर स्टेट, एक ठेके वाली स्टेट जो ठेका लेती है और फिर अपनी सर्विसेज सर अंजाम देती है, पाकिस्तान शायद फिर उस स्टेटस की तरफ जा रहा है। तो आज एक बहुत जबरदस्त खसूसी इंटरव्यू है एक शायद पाकिस्तान की फौज के सबसे मोतबर मिलिट्री एनालिस्ट के साथ। ये सब हम पाकिस्तान की अंदर की जो खबर है, खदीजा शाह, नवाज शरीफ, भुट्टो जिंदा होना, ये सब तो हो ही रहा है, मगर इस सब में एक चीज वाजे है कि आसिम मुनीर जो आज मिल रहा है ये अपने वॉशिंगटन वालों से, तो उन्हें पता है कि ये वैसे तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसकी फौज तो बड़ी तगड़ी है, मगर अपने लोगों पे हावी हुई भी है। इंटरनली ये फौज जो है डंडा दे सकती है, एक्सटर्नली ना इनसे इंडिया संभलता है, एक्सटर्नली ना इनसे तालिबान संभलता है। तो ये जो अलमिया है कि आसिम मुनीर क्या लेके जा रहा है, ना उसकी जेब भरी है, ना उधर से जाके वो F-16 उठा सकता है, ना कोई टैंक उठा सकता है, ना कोई वेपन उठा सकता है। तो आसिम मुनीर इन अ वे एक इंटरेस्टिंग वक्त पे जा रहा है। और आपको याद रहे कि आसिम मुनीर उन चीफ्स में से है जो अमरीका में पहले जिसने कोई कोर्स नहीं किया, जो अमरीका में पढ़े नहीं है। जब लोग पढ़ते हैं अमरीका में, साबिक चीफ कयानी साहब इधर पढ़े हुए हैं, साबिक चीफ बाजवा साहब इधर पढ़े हुए हैं, तो इनकी फाइलें खुल जाती हैं। साबिक चीफ जियाउल हक साहब इधर पढ़े हुए हैं, तो इनकी फाइलें खुल जाती हैं और इनको इनकी पर्सनैलिटी को कैलिब्रेट कर लिया जाता है कि बंदा कौन है, कितने पानी में है। तो ये इन अ वे इनका डेब्यूटांट बॉल भी है, ये पहली बार अमरीकियों से मिल रहे हैं। इस साल इन्होंने ऑलरेडी कुछ अमरीकियों से बात की है, जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, जो इधर के वजारत दिफा को चलाते हैं, वो उनसे बात की है, लॉयड ऑस्टिन से, और इधर के जो जर्नैल हैं कुछ एक दो, उनसे फोन पे बात की है, मिले हुए हैं, हेलीकॉप्टर के दौरे किए हुए हैं, मगर पहली बार ऑफिशियल विजिट पे आए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट वक्त पे ऑफिशियल विजिट है, साल का आखिरी ऑफिशियल विजिट है। और अब हम इस विजिट को देख के, इसमें डीप डाइव करके समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का अब क्या होगा, क्योंकि आप माने या ना माने, मगर ये तो जरूर मानते हैं कि अमरीकी जो है हमारे माई बाप है। इंटरव्यू की तरफ चलते हैं, उससे पहले शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर आसिम मुनीर की एक इस ट्रिप के बारे में और मुख्तलिफ कर्टन रेजर अगर आपको देखने हैं, तो जो कल रात मेरा व्लॉग है जो मैंने किया है, बल्कि आज सुबह किया है, गुड मॉर्निंग बैड पॉलिटिक्स, वो जरूर देखें। उसमें कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं जो इस व्लॉग में नहीं है। इस पूरा हफ्ता हम आसिम मुनीर के सब्जेक्ट को देखेंगे कि ये इधर क्या कारोबार और काम करने आए हैं। चलें आगे चलते हैं। ओके, सो वॉशिंगटन में जो हो रहा है सो हो रहा है, मगर वॉशिंगटन से पहले हमेशा कहते हैं कि पाक फौज जो है वो लंदन जाती है, और जैसे फौज जाती है, जो फौज करती है वो मैं भी कर रहा हूं। मैं भी लंदन गया हूं, मगर मैं लंदन के आर्मी चीफ से नहीं मिल रहा, मैं अपने आर्मी चीफ से मिल रहा हूँ। आयशा सिद्दीका, सीनियर फेलो, किंग्स कॉलेज लंदन, माय 4-star जनरल एनालिस्ट, बिकॉज शी वॉचेज देम सो क्लोजली, द ऑथर ऑफ अ कपल ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स, द मोस्ट पॉपुलर अमंग देम ऑफ कोर्स मिलिट्री इंक। आप ऑफ कोर्स मेरी दोस्त भी हैं, मेरी कॉलीग भी हैं, और मेरी गो टू एनालिस्ट भी हैं व्हेन इट कम्स टू पाक फौज। अब मुझे बताएं कि पाक फौज के सरबराह वॉशिंगटन में किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप कैसे रीड कर रही हैं इस सबको? देखें जी, कोई मेरे ख्याल में 5 दिन का ट्रिप है जनरल आसिम मुनीर का, जिसमें ये स्टेट डिपार्टमेंट में कुछ कांग्रेस के लोगों से भी मिलेंगे, और ये जो चीफ है आर्मी का उससे भी, यूनाइटेड स्टेट्स के, उसे भी मिलेंगे। ये एक जो ट्रिप था, ये कब से इसकी बाजगश सुनाई देती थी कि हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और अब हो गया। तो अब देखना ये है कि क्या दे के जाते हैं, क्या लेके जाते हैं, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, ये एक इम्पोर्टेंट ट्रिप है, क्यों है, ये सारी चीजें देखने वाली है। ठीक है, अब पहले तो मैं आपका ट्विटर देख रहा था, आपने एक बड़ी नॉटी ट्वीट की, आपने कामरान खान साहब जो हमारे ISPR के DG हैं, क्योंकि जो असली ISPR के DG हैं वो पता नहीं किधर खाए हैं, तो आई थिंक कामरान खान साहब कम अज कम इस वक्त 2-star जनरल का स्टेटस है उनका, उन्होंने जो ट्वीट की उसका आपने मजाक उड़ाया, आपने कहा कि
ये शायद भूल गए हैं कि बीच में जनरल बाजवा भी गए थे अपना वाशिंगटन, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जनरल राहील शरीफ के बाद ये पहले आर्मी चीफ हैं जो गए हैं वाशिंगटन। ये ऑब्वियसली या तो ये गलती थी क्या वो ज्यादा एक्साइट हुए हुए थे, या ये एक्चुअली ऑप्टिकल एक कोशिश है कि बाजवे को आसिम मुनीर से जितना अलग रख सकते हो रखो। क्या हुआ है? आपने आपने काफी तंज किया अपनी ट्वीट में, क्या हाउ डू यू रीड दिस? देखिए जी, एक तो बात यह है कि ISPR के चीफ गायब इसलिए हैं, वो उतने ही गायब हैं जितना कि एक ISPR के चीफ को गायब होना चाहिए। मतलब कि हमने जो पिछले देखे, बहुत बढ़-बढ़ के आगे आते थे, आसिफ गफूर थे, उससे पहले जनरल पाशा थे, मैंने जिस जनरल बाजवा छोटे हाँ आसिम बाजवा, फिर उसके बाद उससे पहले जनरल पाशा, मैंने जो ISPR के चीफ देखे ना जी, जब मैं अपनी PhD कर रही थी और बड़ी ISPR ने सपोर्ट भी की थी कि यू नो मेकिंग कॉन्टैक्ट्स, लोगों से इंटरव्यू करने में, तो उस वक्त ISPR के चीफ खामोश होके पीछे रहा करते थे और सिर्फ पब्लिसिटी जो थी वो किया करते थे, तो वो तो उसी तरह खामोश है। रही बात कामरान खान की, तो देखिए ये बहुत सारे ऐसे लोग पैदा हुए हैं ISPR की बदौलत और बहुत सारी और एजेंसीज की बदौलत, जिनका जो मेरे ख्याल में ये समझते हैं कि उन पे नज़र इसी तरह मेहरबानी की पड़ेगी। और मैं समझती हूँ कि किसी भी, चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, उनको ख़राब करने में ऐसे लोगों का बहुत हाथ होता है कि वो इतना मक्खन लगाते हैं कि मक्खन मुल्क में ख़त्म हो जाता है। तो ये वो ये लोगों को करना, ये बताना चाह रहे थे कि वाह ये कितनी इम्पोर्टेंट विजिट है, इतने अरसे के बाद हुई है। मेरे ख्याल में वो उनकी एक्साइटमेंट ये है कि देखें जी ये जनरल साहब जो है वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि थपकी दें, कामरान खान ये चाह रहे हैं कि जनरल साहब को बताएं कि वो उनके कितने बड़े फैन हैं। मेरे ख्याल में उससे ज्यादा मैं इसको देखूंगी नहीं। ठीक है, और भी लोग एक्साइटेड हैं, अलग अलग लोग अलग अलग वार्निंग्स भी दे रहे हैं, रिमाइंडर्स भी दे रहे हैं, तज्जिये भी कर रहे हैं। दो लोगों की मैं सामने रखूंगा आपके सामने ट्वीट्स, एक शाहीन सवाई साहब की हैं जिन्होंने वॉर गेमिंग की कि जब वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिलेंगे, व्हाइट हाउस में बैठता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अक्सर, जब वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिलेंगे जनरल आसिम मुनीर, तो शायद गलती से जो बाइडन साहब कमरे में आ जाएं, जो बाय द वे एक अमरीकी डिप्लोमेसी की रिवायत है, जब आप अपने ऑफिशियली नहीं मिलना चाहता अमरीकी सदर तो गलती से वो पहुंच जाता है कमरे में, ये पहले भी हुआ हुआ है, ये भी शायद इस बार हो जाए। अगर ये हुआ तो फिर ऑब्वियसली हम सबको पता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को एक ग्रीन लाइट मिल रही है, एक थपकी मिल रही है कि जो बाइडन गलती से अनऑफिशियली ने उससे मिल लिया, एक तो ये इसकी जरा वॉर गेमिंग करें, डू यू सी दिस हैपनिंग। दूसरा जो है, दूसरी तरफ जो चाइना कैंप है, पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट में अलग अलग हिस्से हैं, एक प्रो चाइना हिस्सा है, एक जिहादी हिस्सा है, ऑब्वियसली मशहूर जमाना, मगर एक मगरबी हिस्सा है, ये लगता है मगरबी हिस्से के कैंप में है आसिम मुनीर साहब, जैसे जनरल बाजवा मगरबी हिस्से के कैंप में थे। मगर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ फौजी नहीं है, मुफ्ती भी हैं, और जो मुफ्ती हैं उनमें से शायद चीफ मुफ्ती जो हैं पाकिस्तानी चाइना कैंप के, वो हैं मुशाहिद हुसैन साहब, और मुशाहिद हुसैन साहब की थिंक टैंक भी है, दुकान भी है, सेनेटरशिप भी है, एक प्रो चाइना उनका एक वो है। उन्होंने भी एक सेंड ऑफ ट्वीट की, एक खुदा हाफिज, खुदा पामान हमारी जुबान में जो कहते हैं, ट्वीट की, उसमें कहा कि याद रखिएगा कि आप मुसलमानों के ऊपर इस वक्त जारियत हो रही है और पाकिस्तान मुसलमानों के खिलाफ और फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिस्सा नहीं बन सकता, और चाइना के खिलाफ भी आपने इस जंग का जो अमरीका लड़ रहा है, सर्द जंग, इसका हिस्सा नहीं बने। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग ट्वीट्स हैं, द फ्लोर इज योर्स। शाहीन की ट्वीट आप कैसे देखती हैं, सबाई की, और मुशाहिद हुसैन की आप ट्वीट कैसे देखती हैं? मेरे ख्याल में कि शाहीन सहबाई साहब बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, बल्कि जिस मुल्क में वो जमानों से रह रहे हैं अमेरिका, अगर वो कोशिश करें और देखें उनकी पॉलिटिक्स को, तो एक डेमोक्रेसी के हवाले से ना सिर्फ के पाकिस्तान पे नज़र है अमेरिका की, और अमेरिका बार बार कह रहा है, इनके एम्बेसडर ब्लूम जो हैं, डेविड ब्लूम, वो मिले भी हैं, और उनका यही इसरार है कि पाकिस्तान जो इलेक्शन कराए फ्री एंड फेयर कराए। जाहिर है वो इंटरवीन नहीं करेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान को ये बावर कराया जा रहा है कि ये एक आप एक असूल जो जमहूरियत के हैं उसको मद्देनजर रखा जाए।
दूसरी बात यह है जी कि पाकिस्तान तो छोड़ दें, मतलब कि हिंदुस्तान जो कि इस वक्त बहुत गुड बुक्स में है अमेरिका की, अमेरिका तो उस पर भी नज़र रखे हुए है और उसको भी कभी कभार प्यार से समझा देता है कि जी डेमोक्रेसी के असूल को जो है वो किया जाए। तो आई डोंट थिंक के हमारी ये होगी ये चीज़ जो उनकी है कि जनाब इलेक्शन जो है उसके ऐसे पोस्टपोन होंगे। इलेक्शन जो पोस्टपोन होते हैं ना जी, तो उसमें उसके अपने बहुत सारे मसाइल हैं और बहुत सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मुसलसल पाकिस्तान को याद करा रही हैं हुकूमत को कि भाई इलेक्शन आपने करवाने हैं क्योंकि स्टेबिलिटी है और किसी ने जो आपकी मदद करनी है IMF वगैरह ने, तो उसमें वो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं कि भाई कितनी देर हुकूमत है, क्या पॉलिसीज रहेंगी वगैरह वगैरह। सो एक तो मेरा नहीं ख्याल के ये कोई बाइडन साहब स्लिप करेंगे, मेरे ख्याल में बाइडन साहब इस मूड में नहीं होंगे कि आके बैठ जाएं गुफ्तगू में और देखें कि क्या है ये। बेसिकली देखिए अमेरिका भी अमेरिकी भी चाह रहे थे, और बल्कि जब फरवरी 23 में पहला जो अपना दौरा किया है गैर मुल्की जनरल आसिम मुनीर ने, वो UK का किया था। उसके बाद शायद इनका एक और भी दौरा हुआ है, मुझे उसकी डेट्स याद नहीं है, लेकिन उसमें मुझे याद है ये एक गुफ्तगू हुई थी कि जनाब ये यहाँ से शायद अमेरिका भी जाएं। तो इनकी भी कोशिश थी अमेरिका जाने की और अमेरिकियों की भी बुलाने की, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि बैठे देखें कि ये जर्नैल जिसने किसी भी वॉर कोर्स जो फॉरेन वॉर कोर्सेज हैं और जो फॉरेन मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमीज हैं उनमें आके उन्होंने नहीं पढ़ा, तो वो जानना चाहते हैं कि ये शख्स क्या है, क्या किस तरफ लेके मुल्क को जाना चाह रहा है, क्या इसकी प्लानिंग है, बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो मैं नहीं समझती कि जो कंस्पिरेसी थ्योरी है उनकी शाहीन सहबाई साहब की वो काम करेगी। जहाँ तक मुशाहिद साहब की बात है, देखिए बिल्कुल मुशाहिद साहब को परेशानी भी है और वो करना भी चाह रहे हैं। पाकिस्तान का रोल बड़ा लिमिटेड है मिडल ईस्ट में। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है जिसको नहीं चाहते, अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये एंगेज हो बहुत ज़्यादा ज़्यादा लड़ाई वगैरह में, और उसके थ्रू ये गुफ्तगू जो है वो भी करना चाहेंगे। पाकिस्तान की फ़ौज एक इम्पॉर्टेंट फ़ौज है क्योंकि न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, चाहेंगे कि ये ज़रा इनका मिजाज ठंडा रहे। और अगर आप फॉरेन ऑफिस की आज आपने जो अमेरिका ने वीटो की है एक रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जो ख्याल में चाइना ने शायद पेश की थी मिडल ईस्ट के हवाले से और सीज फायर के हवाले से, तो उसमें जो अमेरिका ने वीटो किया, तो उसमें जो फॉरेन ऑफिस की आई है उसमें उनकी एक हल्की सी मुजम्मत आई है, उससे कोई बढ़ के बात नहीं हुई, क्योंकि हर कोई इस वक्त हर मुल्क अपना दामन बचा के चलना चाह रहा है, वो बहुत गंग हो होने का है नहीं। जाहिर है उनको वो याद कराएंगे कि चाइना जो है हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारे ज़्यादा जो ताल्लुकात हैं उनके साथ हैं। आसिम मुनीर जो हैं ऑन द अदर हैंड जिस मिसाल में जहन से आए हैं उसमें ये है कि उन्होंने जो एक रोल बहुत बड़ा अपने जिम्मे ले लिया है इकोनॉमी को सुधारने का, उसमें वो जाहिर है चाह रहे हैं कि एक तो IMF की मुसलसल मदद जो है वो मिलती रहे, उसके लिए पाकिस्तान ज़रूरी है। मेरा अपना ख्याल है कि अफगानिस्तान में जो हालात हैं उस पर बात होगी, यूक्रेन में जो हालात हैं उस पर बात होगी, पाकिस्तान की क्या मदद ली जा सकती है। अमेरिका ये भी चाहेगा कि ये जो कुछ कोशिश हो रही है कि शायद रशिया से ताल्लुकात उस्तवार हों या बिल्कुल पाकिस्तान चाइना की गोद में ना बैठ जाए, उस सिलसिले में क्या हो सकता है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि जनरल बाजवा की तरह जनरल आसिम भी समझते हैं कि अमेरिका को अलग करके आप अभी सर्वाइव नहीं कर सकते, और वो ताल्लुकात जो हैं उनको थोड़ा सा जितना भी नॉर्मलाइज हो सकता है उसको वो करना चाहेंगे। ठीक है। अब इस सब में आपने जो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी वो ये है कि ये इकोनॉमी को तरजीह दे रहे हैं, इकोनॉमी पे बहुत जोर डाल रहे हैं। बल्कि एक तो है गवर्नर है एक स्टेट बैंक का जो भी है, मगर ये गवर्नर जनरल हैं स्टेट बैंक के,
ये इतना इकोनॉमी को जोर देते हैं। हमने तो सुना है कि रोज डॉलर का रेट पूछते हैं अपने एडीसी से कि आज डॉलर कितना हो गया, क्योंकि बड़ा इन्होंने डॉलर भी कम करवाने का इनके ऊपर क्रेडिट इन्हें दिया जाता है, लोग देते हैं। वो क्यों कम हुआ है, कैसे कम हुआ है, एक अलग डिबेट है। मगर सब में ये तसलसल है। पिछले साल हमने भी ये स्टोरी ब्रेक की थी कि फोन किया था बाजवे ने अपना, मेरा ख्याल एलिजबेथ होस को किया था, किसे किया था, वेंडी वेंडी चेम्बलिन को शायद किया था या किसी और को किया था, मैं नाम भूल रहा हूँ, रिगार्डिंग के आईएमएफ के जो भाई आप, बिकॉज अमेरिका, जब तक अमेरिका इजाजत नहीं देता आईएमएफ वालों को, वो नहीं करते। ये स्टोरी इधर से ब्रेक हुई थी, ये स्टोरी मैंने ब्रेक इधर से की थी। ये अहम स्टोरी इसलिए थी क्योंकि हमने देखा कि जब पीडीएम की हुकूमत चल रही थी तो जनरल बाजवा ने कमान संभाली, जब पीडीएम से आईएमएफ नहीं कंट्रोल हो रहा था, उधर इसहाक डार जो है वो गूफ अप पे गूफ अप किए जा रहा था। तो इट हैड टू टेक, यू हैड टू टेक द आर्मी चीफ कॉलिंग द अमेरिकन्स की यार हालात खराब हैं, पैसे निकालो, और आ गए थे फिर उसके बाद पैसे। ये क्या इसी मूड में गए हैं, आईएमएफ का नलका चलता रहे और फिर उसका जो, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ह्यूमन राइट्स वगैरह, इलेक्शंस वगैरह होते रहे, और अगर ये वाकई इस सब में गए हैं जो आप कह रही हैं, तो फिर क्या अमरीकी कुछ सख्त चुपते हुए सवाल नहीं पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे फॉर एग्जाम्पल कि उनके जो सिटीजन हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल खदीजा शाह जो एक अमेरिकन सिटीजन है, उनके साथ जो आज ही में हुआ है, उनको क्वेटा पुलिस उठा के ले गई है, इवन दो शी वाज सपोज्ड टू बी गिवन, शी वाज सपोज्ड टू बी रिक्यूज्ड बाय द कोर्ट, रिलीफ मिलना था, ये सवाल पूछे जाएंगे या अमरीकी इन सवालों को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ से और बड़े बड़े मुद्दे हैं बात करने के, अब खदीजा शाह किसी खाते में नहीं आती, क्या होगा? बाजी देखें, अमरीका में एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी पॉपुलेशन है जो कि पीटीआई की सपोर्ट भी करती है, जो कि ये जो मसाइल हो रहे हैं, खदीजा शाह जैसे केस हैं वो भी चल रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसको अमेरिकी इतनी जो है वो नहीं देंगे। इस वक्त तो ये एक इंट्रोडक्टरी जिसे कहते हैं ना कि मीटिंग है, कि आए जी बताएं, हम भी देखें आप क्या हैं, और कुछ हमसे मुलाकात करें, बात करें, हम आपको कुछ नापतोल ये करना चाहेंगे कि जनरल अच्छा। साहब कितने पानी में हैं, आइस ब्रेकर है आपके, आप जी इंट्रोडक्टरी, ये एक तो मीटिंग है। दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में अफगानिस्तान एक मैटर ऑफ कंसर्न है, और जो चीज पाकिस्तान की फौज भी बहुत इसको कर रही है वो ये है कि जी ये जो तालिबान वहाँ कर रहे हैं अफगानिस्तान में, और जो उनकी मौजूदगी है वो उसकी वजह से, और जो वहाँ समा है अफगानिस्तान में, उसकी वजह से सबको खतरा है। तो उसके लिए और जो जो भिनक मुझे पड़ी यहाँ इंग्लिस्तान में, वो ये है कि यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो कि इस बात को इनकरेज कर रहे हैं कि कोई लिमिटेड वॉर सी अगर होनी चाहिए तालिबान के साथ, थोड़ा उनको पुश करना चाहिए। अच्छा, अब बात यह है कि इस पे अफगानिस्तान पे डेफिनेटली बात होगी। पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी जो है वो बिल्कुल जेरे बहस आएगी, कौन क्या मदद करेगा, और मेरा ख्याल में आसिम मुनीर साहब की वही एक बात होगी कि जनाब आप मदद करें तो हम कुछ करते हैं। तुमने बहुत बड़ी बात की है, तुम ये कह रही हो कि लंदन में ये खबर गर्म है कि लिमिटेड वॉर अफगानिस्तान को सबक सिखाने के लिए, थोड़ा वो जो उधर मौलवी हैं उनको थोड़ा उनकी दाढ़ी थोड़ी सी ट्रिम करने के यहां, लिए यहां, यहां कुछ सेगमेंट्स हैं जो की ऐसी बात कर रहे हैं कि ये होना चाहिए। और मजे की बात ये है कि मोहसिन दावड़ अभी जब दुशंबे गए थे एक कॉन्फ्रेंस में, हेरात सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने वहां एक बात की कि जी वॉर होनी चाहिए, ये चीज जो है वो जंग से शुरू हुई थी, ये जंग से खत्म होगी। वाओ, तो ये बात जो है वो, और उसकी एको आपको लंदन में भी सुनने को मिल रही है ऐसी बात की। बात ये है कि अकलमंदी का तकाजा तो यही होगा कि कोई जंग ना की जाए, हो नहीं सकती, क्योंकि जो चीज अफगानिस्तान में शुरू होगी वो अफगानिस्तान में खत्म नहीं होगी, पाकिस्तान में भी आएगी इंस्टेबिलिटी। लेकिन उसके अलावा जो है
तो क्या गुफ्तगु होगी, क्या सपोर्ट होगी, क्या मेरे दोस्त बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, अमेरिका में ही होते हैं, वाजिद अली सैयद, तो अभी मैं उनसे बात कर रही थी तो और उनकी बात सुन रही थी, तो वो उनका ये कहना है कि शायद कोई एक थोड़ी सी एक रिलैक्सेशन शायद पाकिस्तान को दी जाए, यानी कि पाकिस्तान को वेपन्स तो नहीं दिए जाएंगे लेकिन पाकिस्तान को ये फैसिलिटी दी जाएगी कि जनाब अगर आपकी औकात है, आपके पास पैसे हैं तो वेपन्स आप ये खरीद सकते हैं, क्योंकि जनरल बाजवा के जमाने में हुआ था वो जो 450 मिलियन डॉलर्स F-16 के स्पेयर्स थे, स्पेयर पार्ट्स थे, तो वो सिलसिला यही था कि वो पाकिस्तान को इमदाद नहीं मिली थी, ये रास्ता खोला गया था कि पाकिस्तान 450 मिलियन डॉलर्स के F-16 के स्पेयर पार्ट खरीद सकता है, तो इस किस्म की चीज शायद हो, मगर क्या आर्मी चीफ ऑफर करेगा कि जी देखें हमने इन अफगानियों को भी निकाल दिया है, ये TTP भी अब हमारे लिए थ्रेट बन गया है, तालिबान जो है वो रुक नहीं रहे, तो आए क्या थोड़ी सी एक छोटी सी लिमिटेड जंग करते हैं, क्या ये खुद पेशकश करेगा या ऐसे पेशकश की जाएगी, क्या नहीं, मेरे ख्याल में, देखिए जी मेरे ख्याल में ये चाहेंगे, मतलब ये भी असेस करने गए हैं ना कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कहाँ तक मदद करेगी, अमेरिका कहाँ तक मदद करेगा कि अगर हम ऐसा करें तो क्या सिचुएशन होगी, सो ना सिर्फ के ये एक इंट्रोडक्टरी मुलाकात है, इसमें ये भी असेसमेंट करने जा रहे हैं कि क्या हो सकता है। दूसरी बात ये है कि इकोनॉमी इनका जो सबसे बड़ा वो है, देखिए एक बड़ा एक शिफ्ट आया है, वो अभी जैसे मैंने जिक्र किया ना, मैं वाजिद अली सैयद की बात सुन रही थी, उन्होंने कहा कि जनाब किसी राइटर ने लिखा कि पाकिस्तान पहले एक रेंटियर स्टेट था क्योंकि काम करता था उसके बदले में मुआवजा लेता था, तो अब जो है वो सिलसिला ख़त्म हुआ है, IMF के थ्रू बात होती है, बहुत गारंटर्स हैं और लोग भी जो पाकिस्तान को कर्जा मिलता है, मैं समझती हूँ ये रेंट सीकिंग अभी भी जो किराए का काम है अभी भी चलता है, सिर्फ ये है कि अब हाथ बदल गए हैं, पहले डायरेक्टली अमेरिका देता था, अब IMF के थ्रू ये मिलता है, लेकिन उसके बदले में ये जो फैसिलिटी दी जाएगी तो जाहिर है उसके बदले में कितनी कोऑपरेशन यू नो एक्सपेक्ट की जाएगी पाकिस्तान से, वो सिलसिला साथ है। ये जो हैं जनरल साहब जो हैं, और मैं एक बात एक करती चलूँ, दो बातें, एक तो ये है कि इसके बावजूद के बहुत सारी कांग्रेस में चिट्ठियाँ आती रही हैं, कांग्रेस में रेजोल्यूशन भी पेश होती रही है कांग्रेसमैन की कि जनाब पाकिस्तान को की मदद इमदाद ख़त्म की जाए वगैरह वगैरह, मेरा नहीं ख्याल कि वो इज गोइंग टू टेक ऑफ। पाकिस्तान का अंदरूनी जो मसाइल हैं उसमें मेरे नहीं ख्याल के अमेरिका को खास इंटरफेयर करने के चक्कर में लगता है, सिर्फ ये है कि इसको कैसे स्टेबलाइज किया जाए। फिर अब ये देखिए कि देखिए ना मिडल ईस्ट जो है वो अपने पांव फैला रहा है, तो मिडल ईस्ट के साथ कैसे ताल्लुकात होंगे, फिर ये है कि अपना इंडिया के साथ, हाँ ये मैं आ रहा था इस पे कि हिंदुस्तान ने एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है इस वक्त हिंदुस्तान की, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि क्राइसिस हुआ हुआ है अमेरिका के साथ, मगर थोड़ी सी बदमजगी हुई हुई है, हिंदुस्तानियों को ब्लेम किया है अमरीकियों ने कि तुमने इधर बंदे मरवाने की कोशिश की है, कैनेडा ने ऑलरेडी ब्लेम क्लियरली कर दिया है, तो हिंदुस्तान इस वक्त कंफर्टेबल नहीं है और डार्लिंग तो है अभी भी मगरबी दुनिया का हिंदुस्तान, इसमें कोई शक नहीं है, मगर क्या पाकिस्तान का चीफ ये एक्सप्लॉइट कर सकेगा कि हिंदुस्तान के साथ थोड़ी सी कशीदगी है, मैं इसमें अपना हिस्सा डाल दूं, कुछ कर सकेगा? नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल कि हम कुछ हिस्सा डाल सकते हैं इसमें, वो बात जरूर करेंगे, वो कहेंगे कि जी देखिए हमारे यहाँ भी मारते हैं, वो बात करेंगे। देखिए जिस तरह CPEC और चाइना, हमारे चाइना के साथ दो तरह के ताल्लुकात हैं इस पर, एक है मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो कि बड़ी मजबूत है, एक है CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि कमजोर है, और वो कमजोर जितना भी और उसके बहुत सारी वजूहात हैं, उसमें सिर्फ हमारा नहीं है कि हम
बड़े कीन नहीं है और हम ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते, बल्कि मजे की बात यह कि इमरान खान के आने के बाद ठंडे पड़ गए थे सी पैक रिलेशंस। लेकिन जो सोचने वाली बात है उसमें, लेकिन दो तरीके के हम ताल्लुकात चला रहे हैं। हिंदुस्तान भी इसी तरह, हिंदुस्तान को निजार और बहुत सारे जो खालिस्तानी हैं उनके केस में जो एविडेंस आई है उस पर डांट पड़ती रहेगी, लेकिन जो उसकी सिग्निफिकेंस है, उसकी इम्पोर्टेंस है चाइना के हवाले से, वो उसी तरह रहेगी। और मेरे ख्याल में अगला एक साल जो है वो ज़रा बदमजगी का होगा हिंदुस्तान और अमेरिका का, जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी। लेकिन अब और वो क्या होगा, वो जो बंदा पकड़ा गया है उसको ये जिन लोगों को वापस करेंगे ये यू नो वो कितना बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एविडेंस पे बेस होंगी। और ये एक छोटी सी लड़ाई है जो वो डिप्लोमेटिक जो वो लड़ते रहेंगे, लेकिन क्या उनका जो है सिग्निफिकेंस हिंदुस्तान की कम हुई है, तो जवाब है नहीं। उसको एक्सप्लॉइट कर सकेंगे आर्मी चीफ, जवाब है नहीं। राइट ओके, चलते चलते व्हेन इट कम्स टू अगर हम पेशेंट को ही करें, वैसे तो खुदा जानता है कि आगे क्या होने वाला है, मगर आप की पांच दिन जो अगले पांच दिन जो गुजरने वाले हैं आर्मी चीफ के, और हम भी तवक्को करेंगे आपसे कि आप भी हमारे साथ रहें अगले जो ये जो दौरा चल रहा है, मगर आप इस सब में क्या गेंस देख रही हैं, क्या लेके आएंगे वापस? अगर आज आपने शर्त लगानी हो, वैसे तो पठान जुआ नहीं खेलता ना आयशा सदीका खेलती है, मगर अगर आपने शर्त लगानी हो कि क्या लेके आएंगे वापस, what would those two or three items be, ये वापस क्या लेके आएंगे? मेरे ख्याल में थी कोई अंडरस्टैंडिंग के, क्योंकि एक फील्ड जिसमें आर्मी चीफ चाह रहे हैं कि कोई पेशरफ्त हो, पाकिस्तान पैसे कमा सके, वो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये चाहेंगे कि जी बिजनेसमैन आए, अमेरिका से आए, इन्वेस्टमेंट हो, कोई दरवाजे खुलें, बड़ी दिलचस्प बात हो। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि किसी थिंक टैंक में भी जाके वो जरूर बोलेंगे, और जो विजन है अपना पाकिस्तान के बारे में वो उसको पेश करेंगे। सो उसमें देखने में देखने की जरूरत है कि कौन कौन जो है थिंक टैंक में जा सकता है। मुझे नहीं उम्मीद कि हम जैसे जो लोग हैं जो परेशान कर सकते हैं या कभी सवाल ऐसे उठा सकते हैं कि हमें जाने दिया जाए। मुझे याद है कौन पिछली दफा गया था, तो उस विजिट में जैसे क्रिस्टीन फेयर को नहीं जाने दिया गया था। राइट सो देखते हैं कि कौन जाएगा, क्या सवाल पूछे जाएंगे। और मेरे ख्याल में डेमोक्रेसी के हवाले से लोग इनसे सवाल करेंगे। अब ये लेके क्या आते हैं, लेके कमिटमेंट आएंगे, लेके ये के पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसमें अमेरिका इन्वेस्ट करे, शायद जो है वो ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ कहा जाए कि जी कांग्रेस जो है वो अलाउ करता है वेपन सेल्स पाकिस्तान को। दैट्स द मैक्सिमम, मिनिमम ये है कि अच्छी अच्छी गुफ्तगू करके और को अंडरस्टैंडिंग लेके। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, वजाहत वो ये है कि ये दौरा एक कमिटमेंट की तरफ, एक एक पॉलिसी की तरफ हमें दिखा रहा है एक डायरेक्शन, और वो ये है कि पाकिस्तान मिडल ऑफ द रोड ही प्ले करेगा। जिसका मतलब ये है कि आप बहुत ज्यादा चाइना की तरफ भी नहीं जाएंगे, और चाइना के साथ जो जो एक कोल्ड वॉर में होता है, क्योंकि जैसे हिंदुस्तान जो है एक फायदा उठा रहा है, वो चूंकि चाइना के खिलाफ है तो वो अमेरिका से टेक्नोलॉजी ये वो बहुत चीजें ले रहा है। हम जब अमेरिका के साथ थे तो हम भी फायदे लेते थे, वेपन्स आते थे, ये वो। तो वो वाली पोजीशन जो है ना पाकिस्तान की नहीं है टू बेनिफिट फ्रॉम अ कोल्ड वॉर सिचुएशन, क्योंकि हमने मिडल ऑफ द रोड रहना है, और मिडल ऑफ द रोड रहने की मजबूरी
जो है वो हमारी इकोनॉमी है. सो उसमें क्या है, क्या कमिटमेंट होगी, हिंदुस्तान के बारे में क्या बात आएगी, कि क्या, मेरे ख्याल में उस पर ज़रूर ये बात करेंगे कि जी हिंदुस्तान के साथ स्टेबिलिटी में क्या गारंटी अमेरिका दे सकता है ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की. तो ये सारी गुफ्तगू होगी. मैं कोई बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि एक्साइटमेंट कि वाह 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 ये हमें लड्डू मिल गए और ये हमें गुलाब जामुन मिल गए, ऐसा नहीं है. इट्स एन इम्पॉर्टेंट विजिट, लेकिन ये है कि इस विजिट के आगे जैसे पहले होता था ना, अच्छा जी वहां से गए ये लेके आए हैं, तो ये शायद इतना ना हो. आयशा सिद्दीका फ्रॉम लंदन, सीनियर फेलो एट किंग्स कॉलेज. थैंक यू आयशा फॉर योर टाइम. अगले चंद दिन मैं आपके साथ रहूंगा, उम्मीद है आप हमारे साथ रहें. लेट्स कीप इन टच. विल डू.